पीएम मोदी लोकसभा चुनाव को लेकर कई राज्यों में अपना चुनावी दौरा कर रहे हैं, लेकिन इन तमाम चीजों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बंगाल दौरा एक बार फिर से चर्चा का विषय बन चुका है, क्योंकि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बंगाल दौरे में लोगों की जो हुजूम देखी गई, उसे देखने के बाद सबसे ज्यादा दिक्कत अगर किसी को हुआ है तो वो ममता दीदी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जलपाईगुड़ी में एक जनसभा को संबोधित करने गए। जनसभा पूर्ण तरह से चुनावी प्रचार को लेकर था, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संदेश खाली को लेकर ममता दीदी पर जोरदार हमला भी किया। लेकिन इन राजनीतिक मुद्दों से हटकर जलपाईगुड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत हुआ। आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हेलीकॉप्टर से उतरते ही सबसे पहले लोगों का अभिवादन स्वीकार करने के लिए चले जाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी एक पल के लिए भी अपनी एसपीजी कमांडो सुरक्षा घेरा पर नजर नहीं डाल रहे हैं। ये वही बंगाल है जहां पर आए दिनों कहीं ना कहीं दंगा भड़क जाता है। ये वही बंगाल है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तानाशाह कहा जाता है। ये वही बंगाल है जहां पर बीजेपी ना ही बीजेपी के किसी नेता को स्वीकार किया जाता है। वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुरक्षा मापदंडों को दरकिनार कर लोगों का अभिवादन स्वीकार करने लगते हैं, लेकिन फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ क्षण के बाद अपनी गाड़ी में बैठकर रोड शो करते हैं। आप लोगों के हुजूम को देख सकते हैं। पुलिस और अर्धसैनिक बलों को लोगों पर कंट्रोल करने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। प्रधानमंत्री मोदी भी अपनी गाड़ी से कमल का फूल दिखाकर तमाम लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और उन लोगों से बंगाल में बीजेपी सरकार बनाने की मांग भी कर रहे हैं। बहरहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बंगाल की जनता में जो उत्साह है वो काबिले तारीफ, क्योंकि ये वही बंगाल है जहां कहा जाता है कि ममता दीदी के आदेश के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। ये वही बंगाल है जहां पर आज से 5 साल पहले गृह मंत्री और प्रधानमंत्री मोदी के हेलीकॉप्टर को उतारने की अनुमति तक नहीं दी गई थी। आज उसी बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में लोगों का हुजूम उमड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी का ये बंगाल दौरा पर आपकी क्या टिप्पणी है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। TNN वर्ल्ड से मैं हर्षवर्धन इस रिपोर्ट के साथ आप तमाम जनता से विदा लेता हूं।